आज की वीडियो में हम महिंद्रा की बुलेरो नियो के बारे में और किया के सेल्टॉस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि दोनों एसयूवी हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके कलर्स के बारे में। आपको बुलेरो नियो में 5 कलर वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, जिनमें सबसे पहला आता है डायमंड वाइट, दूसरा है रॉकी विगे, तीसरा है हाईवे रेड, चौथा है नेपोली ब्लैक और पांचवा है मजेस्टिक सिल्वर। अब किया सेल्टॉस में देखा जाए तो आपको 6 से 7 कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से मैं आपको 3-4 कलर बताऊंगा। इनमें सबसे पहला आता है इंटेंस रेड, दूसरा ऑरोरा ब्लैक पर्ल, तीसरा स्टील सिल्वर, चौथा ग्लेशियर वाइट पर्ल, पांचवा ग्रेविटी ग्रे। तो कलर के बाद अब इनकी रोड प्राइस की बात करते हैं। बुलेरो नियो में प्राइस जो है वो 8 से 8.5 लाख से शुरू है और किया सेल्टॉस का जो प्राइस है वो 12 से 14 लाख से शुरू है। अलग अलग सिटीज़ में आपको अलग अलग मॉडल का अलग अलग प्राइस भी देखने को मिल सकता है। प्राइस के बाद अब गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। बुलेरो नियो में आपको इंजन जो है वो M-Hawk 100 का देखने को मिल जाएगा, जो कि 1493 सीसी का है और 100 BHP और 3750 RPM का है। अब ये चीज़ किया सेल्टॉस में देखी जाए तो उसका इंजन 1.5 लीटर CIDI VGT है। बुलेरो नियो का जो माइलेज परफॉर्मेंस है वो 17.29 किलोमीटर पर लीटर है और किया सेल्टॉस में आपको डीजल में 20.8 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा और पेट्रोल में हाईवे माइलेज जो है वो 18.3 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा। बुलेरो नियो में आपका 260 Nm और 1750 से 2250 RPM का मैक्स टॉर्क्यू है। किया सेल्टॉस का मैक्स टॉर्क्यू 250 Nm विद 1500 टू 2750 का RPM है। अब थोड़ी बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। बुलेरो नियो का जो ट्रांसमिशन टाइप है वो मैनुअल है। किया सेल्टॉस में देखा जाए तो इसका ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक है। बुलेरो नियो का जो ड्राइविंग टाइप है वो RWD है, ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके फ्रंट ब्रेक टाइप जो हैं वो डिस्क ब्रेक हैं और रियर ब्रेक में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, एक ड्राइविंग मोड है। ये गाड़ी 7 सीटर है जिसमें 6 स्पीकर हैं। गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है जिसका मिनिमम टर्निंग रेडियस 5.35 मीटर है। 17.29 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ 50 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका बूट स्पेस जो है वो 384 लीटर का है, जो कि आपको ठीक ठाक स्टोरेज दे देगा। अब आते हैं किया सेल्टॉस पर। इसका जो ड्राइविंग टाइप है वो 2WD है, ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके फ्रंट ब्रेक टाइप्स में डिस्क ब्रेक्स आते हैं और जो रियर ब्रेक टाइप है उनमें भी डिस्क ब्रेक्स आते हैं, यानी आपको अगले पिछले दोनों तरफ के टायरों में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा विद 3 ड्राइविंग मोड्स, जिनमें सबसे पहला है नॉर्मल, दूसरा है इको और तीसरा है स्पोर्ट्स। ये गाड़ी 5 सीटर है जिसमें 8 हाई परफॉर्मेंस स्पीकर्स हैं। गाड़ी में इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग आपको बुलेरो नियो में मिलेगा। 20.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ 50 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसके साथ 433 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि आपको अच्छे से स्टोरेज कैपेसिटी दे देगा, जिससे आपको लगेज की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से सफ़र कर पाएंगे। अगर आप इन दोनों कार्स के बारे में और फीचर्स जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए हैं, जो कि एक किया सेल्टॉस का है और एक बुलेरो नियो का है, जो कि आपको इन दोनों के बारे में और इन्फॉर्मेशन देने में मदद करेगा। मेरी पिछली वीडियो पर टॉप 5 कमेंट करने वालों को मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। सबसे पहला शाउट आउट जाता है शुभम भारद्वाज को, दूसरा शाउट आउट जाता है अनामिका भंडारी को, तीसरा शाउट आउट जाता है म्यूजिक वर्ल्ड को। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो मेरी इस वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको शाउट आउट ज़रूर मिलेगा।